अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एज इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई के बारे में बताऊंगा, जो कि 3 इनपुट और 1 आउटपुट होगा। उसके एक इनपुट A1 A2 आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर आपने 110 से 240 वोल्ट AC दे सकते हैं। और दूसरा जो इनपुट है A2 और A3 24 वोल्ट AC चाहे DC कोई भी सप्लाई आप दे सकते हैं। आउटपुट में आपको 5 वोल्ट मिल जाएगा और नहायती चंद पुर्जों के मदद से आप ये बना सकते हैं। ये देख लें, ये दो रजिस्टर है, 150 180 के का एक कैपेसिटर है और दो जीनर डायोड है 30 वोल्ट का, एक रजिस्टर है 82 ओम्स का। ठीक है दोस्तों, तो ये देखें, ये मैंने सर्किट को असेंबल करके रखा है, आप देख सकते हैं सर्किट को। ये देखें, दो जीनर है, दो डायोड है, एक कैपेसिटर है, सही है दोस्तों। ये दो रजिस्टर है, ये तीसरा रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, सही है। इसी तरह मैंने A1 A2 और A3 मैंने इस पर लिख के रखा था कि मैं सप्लाई देके आपको चेक करवाऊँ ताकि आप देख लें इसको। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इसको देता हूँ 220 वोल्ट सप्लाई, मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखें, ये 220 वोल्ट सप्लाई है हमारे पास, मैं मीटर के ज़रिए आपको चेक करा देता हूँ। अब ये मीटर पर नज़र रखिए, देखिएगा, ये आपको 220 वोल्ट बताएगा मीटर। ये देखें दोस्तों, ये मीटर पे देखें आप, ये 231 वोल्ट है, ये सप्लाई मैं दे रहा हूँ A1 और A2 पे। ये देखिए दोस्तों, A1 A2 पे मैंने दिया 220 वोल्ट सप्लाई। अब ये देख लें, ये 5 वोल्ट इसके आउटपुट पे आ गया, सही है। अब ये देख सकते हैं वाजे तौर पे, ये 5.5 वोल्ट लोड पे जो है ना, ये अपने 5 वोल्ट पे आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने 220 वोल्ट AC सप्लाई दे के दिखा दिया आपको। अब मैं 24 वोल्ट AC देता हूँ, दे के आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये देखो दोस्तों, मेरे पास ये ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर है 220 से 24 वोल्ट का है। इसको मैं अभी पावर अप करता हूँ, पावर अप करके अभी सप्लाई दे के मैं आपको चेक करवाता हूँ। अब देख लीजिएगा, ये भी ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई को 24 वोल्ट के ज़रिए। ये मैंने सप्लाई लगा दिया, मैं इस दो पॉइंट पे लगाता हूँ, ये A2 और A3 पे। जैसे कि मैंने बताया कि 24 वोल्ट AC या DC आप A2 और A3 पे देंगे आप, सही है। A2 A3 पे आपने लो वोल्टेज देना है और हाई वोल्टेज की सूरत में A1 और A2 पे देना है। दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखें दोस्तों, ये 24 वोल्ट AC का मैं तार लगा रहा हूँ A3 A2 पे। ये पावर अप करता हूँ इसको, ये देखें दोस्तों, ये 5 वोल्ट तकरीबन लोड पर, ये 5 वोल्ट पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देख लिया आपने, 24 वोल्ट है ये। ठीक है, ये AC लगाया मैंने A2 और A3 पे लगाया, ये इस दो पॉइंट पे, ये A2 और A3 है, सही है। अब मैं इसको DC देता हूँ 24 वोल्ट। ये देखो दोस्तों, मेरे पास ये 24 वोल्ट पावर सप्लाई है एक, ये देख लें आप, ये 24 वोल्ट पावर सप्लाई है। मैं आपको इसका वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, मैं 24 वोल्ट सप्लाई दे रहा हूँ उसको। ये दोस्तों लोड पे ही आ जाएगा 5 वोल्ट पे। ये देखिए, सप्लाई वोल्टेज मैं चेक कराता हूँ इनपुट मीटर पे, देखिएगा आप। ये देखिए मीटर पे देखें, मैं सॉरी DC पे सेलेक्ट कर दूँ इसको मैं, ये DC पे हो गया सेलेक्ट। अब देखिएगा, ये इनपुट में मैंने 24 वोल्ट DC दिया, देखिए 24 वोल्ट DC है, ये 16 वोल्ट दे रहा है दोस्तों। लेकिन जब इस पर लोड लगाएंगे, आप लोड कनेक्ट करेंगे तो ये सप्लाई 5 वोल्ट पे आ जाएगा,
ये देखिए मैंने लोड नहीं लगाया, चूँकि अब मैं ये लैंप का एक लोड लगाता हूँ, देखिएगा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ये देखिए मैंने 5 से 6 वोल्ट पे ही रहेगा। ये देखें दोस्तों, ये देखा आपने, ये 5 वोल्ट पे आ गया, ठीक है, लोड पे। तो इस तरीके से आप एक दफ़ा और देख लें, आप ये वायर को ज़्यादा शायद सही नज़र नहीं आया हो, ये देखें, ये देखें, ये 5 वोल्ट पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये 5 वोल्ट पे आ जाएगा लोड पे। तो एक आउटपुट आपको 5 वोल्ट और 3 इनपुट का ऑप्शन है इसके अंदर। ये आप किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी सर्किट के साथ यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। ये एक 110 से 220 वोल्ट एक इनपुट A1 A2 है, और 2 इनपुट A2 A3 है, जिसमें 24 वोल्ट AC और DC आप दोनों दे सकते हैं, और आउटपुट में 5 वोल्ट आप ले सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में।